दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वैसे छात्र एवं छात्रा जो इस वर्ष 2023 में 10वीं फर्स्ट डिवीजन से पास हुए उन सभी छात्र छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत ₹10,000 दिया जाता है और यह ₹10,000 लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सो इस वर्ष 2023 का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक नया वेबसाइट जारी किया गया है। अब आप नए वेबसाइट के माध्यम से मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2023 का ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सो आगे इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी देने वाला हूं कि आखिर नया कौन सा वेबसाइट जारी किया गया और कौन से वेबसाइट के माध्यम से मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। सो इसके बारे में पूरे जानकारी मिलेंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो में आपने स्पेल हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों नए वेबसाइट के माध्यम से मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहेंगे या फिर नए वेबसाइट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले मेधा सॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इस वेबसाइट पर आने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं, उस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करते आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब इस वेबसाइट पर आप जैसे ही आ जाते हैं सिंपली आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है और यहां पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री बालक बालिका 10 पासेज प्रोत्साहन योजना और यहां पर देखिए 2019 से लेकर 2022 तक का दिया गया और ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में देखिए यहां पे बताया गया कि अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023। सिंपली आपको अप्लाई फॉर ऑनलाइन 2023 पे इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लियर दोस्तों इस तरह से आपके सामने नया वेबसाइट देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर बताया गया मुख्यमंत्री बालक बालिका माध्यमिक प्रोत्साहन योजना 2023। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया, आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना और यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मुख्यमंत्री बालक बालिका 10 पासवर्ड प्रोत्साहन योजना से संबंध जानकारी के लिए क्लिक हेयर करें। सिंपली आपको क्लिक पे इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप क्लिक पे क्लिक करें तो इस तरह से आपके सामने नया वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों कि यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण गाइडलाइंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं गाइडलाइंस फॉर मैट्रिक 2023 रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए क्लियर बताया गया कि सभी छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका भी आधार आपके बैंक खाते से सीडेड अर्थात DBT के लिए नहीं है वो बैंक से तुरंत संपर्क करें, क्योंकि आधार सीडिंग और खाता से आधार लिंक अलग चीज है। तो एक बात ध्यान है कि खाता में आधार लिंक और आधार सीडिंग यानी कि NPCI लिंक दोनों अलग चीज है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों अपने बैंक जाना है और वहां से आपको आधार लिंक नहीं आधार सीडिंग कराना है, यानी कि अपने खाते में NPCI लिंक करवा लेना है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके खाते में NPCI लिंक है या फिर नहीं है तो ये कैसे चेक करेंगे, इस पर हमने पहले से वीडियो बना रखे हैं। तो अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो को देख के बहुत ही आसान तरीके से पता कर लीजिए। अगर आपका NPCI लिंक नहीं है तो ऐसे स्थिति में अपने नजदीकी बैंक जाए और वहां से आप NPCI लिंक करा लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों के अभी ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया जिन्हें आपको जानना अति आवश्यक है। यहाँ पे देखिए क्लियर बताया गया जैसे कि आप देख सकते हैं कि आवेदन कैसे करें। सबसे पहले दोस्तों के यहाँ पे 12 महत्वपूर्ण गाइडलाइंस दिया गया जिन्हें आपको जानना अति आवश्यक है और हो सकता है कि अगर आप देर से ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑनलाइन आवेदन शुरू भी हो जाए। अब यहाँ पे देखिए गाइडलाइंस क्या दिया गया तो इन्हें आपको जानना है। सबसे पहले दोस्तों के यहाँ पे एक नंबर बताया गया कि मैट्रिक 2023 स्कॉलरशिप पोर्टल जल्द ही खुलने वाले हैं। दूसरे नंबर बताया गया कि छात्र के पास रजिस्ट्रेशन नंबर, छात्र का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जिले का नाम, कुल अंक, रोल नंबर, डिवीजन, जन्मतिथि 10वीं के अनुसार, आधार विवरण, लिंग, श्रेणी, मोबाइल नंबर, वैकल्पिक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पंजीकरण के लिए होना अनिवार्य है। उसके बाद दोस्तों के यहाँ पे तीसरे नंबर बताया गया कि यह पोर्टल वर्तमान में केवल BSEB 2023 से मैट्रिक 10वीं पास के लिए खुला है। चौथे में दोस्तों के यहाँ बताया गया कि शिक्षा विभाग सरकार की मैट्रिक 2023 छात्रवृत्ति के विज्ञापन के अनुसार पास छात्रा बिहार के आवेदन करने की जरूरत है। पांच नंबर बताया गया कि एक छात्र छात्रा को यह छात्रवृत्ति केवल एक ही बार मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों के यहाँ पे छह नंबर में बताया गया जैसे कि आप देख सकते हैं कि आधार में नाम छात्र छात्रा का नाम आवेदक के अनुसार ही होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों के यहाँ पे सात नंबर बताया गया कि एक विशिष्ट मोबाइल नंबर पंजीकरण के लिए छात्र या छात्र के परिवार के सदस्यों का उपयोग
किया जा सकता है। इससे आगे की चेतावनी के लिए सक्रिय रख, यानी कि आगे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा तो आपको जो सो वो नंबर को एक्टिव रखना है, चालू रखना है। उसका दोस्तों यहाँ पे आठ नंबर रहेगा पंजीकरण के लिए छात्र छात्रा या परिवार के सदस्य की एक अद्वितीय ईमेल आईडी उपयोग किया जा सकता है। इसे आगे के लिए चेतावनी के लिए सक्रिय रखें, यानी कि आपको ईमेल आईडी एक्टिव रखना है, चालू रखना है, उस पर आपको महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलता रहेगा। उसका दोस्तों यहाँ पे नौ नंबर बताया गया कि छात्र छात्रा का नाम, पिता का नाम, कुल प्राप्त अंक दसवीं के अनुसार, जन्मतिथि, आधार विवरण, बैंक खाता विवरण, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसे विवरण प्रदान करके पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। उसका दोस्तों यहाँ पे दस नंबर बताया गया कि रजिस्ट्रेशन के बाद बैंक खाते का वेरिफिकेशन किया जाएगा। बैंक में वेरिफिकेशन के बाद मोबाइल पर यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा। तब तक प्रतीक्षा करें, घबराएं नहीं। यदि आपको 15 दिनों के भीतर यूजर आईडी पासवर्ड नहीं मिलता है तो गेट यूजर आईडी पासवर्ड पर क्लिक करके अपनी स्थिति या एसएमएस की जांच करें। उसका दोस्तों के यहाँ पे 11 नंबर में बताया गया, यहाँ पे देख सकते क्लियर बताया गया कि यूजर आईडी और पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साझा ना करें। अगर किसी स्टूडेंट का 15 दिनों में यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं भेजा जाए तो घबराए नहीं, वेरिफिकेशन होते ही जल्द आपके मोबाइल पे एसएमएस के माध्यम से यानी मैसेज के माध्यम से मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 12 नंबर बताया गया कि सुनिश्चित करें कि आपके सामने आवेदन की प्रविष्टि और आवेदन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। साइबर द्वारा की गई भी त्रुटि या शरारत के लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। तो जब भी आप आवेदन करें, खुद से आवेदन करें या किसी भी साइबर कैफे से आवेदन करा रहे हैं, तो आपको सावधानी पूर्वक आवेदन कराना है। अगर कुछ भी गलती होते हैं तो उसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे, सुधार का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 13 नंबर बताया गया कि फॉर्म को अंतिम रूप से पूरा करने के बाद, जब आप फॉर्म को अंतिम रूप यानी फाइनलाइज कर देंगे उनके बाद आवेदन फॉर्म को पोर्टल पर जमा करें और भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन फॉर्म की एक प्रति प्रिंट करके अपने पास रख ले या पीडीएफ में डाउनलोड करके अपने ईमेल पे, डिजी लॉकर में या अन्य कहीं भी जगह सुरक्षित रख ले। उसके बाद यहाँ देखिए फॉर्म को अंतिम रूप से जमा करने के बाद किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं है। जब आप फाइनलाइज कर देंगे तो आप उस फॉर्म में कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, कोई भी सुधार नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यही एक नया पोर्टल है, अभी यहाँ पे गाइडलाइन जारी किया गया, जैसा कि आपने गाइडलाइंस में देखा कि जल्दी शुरू किया जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।